नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगा और जिस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है ट्रिलियम। आज हम जानेंगे इसके मेन, देखिए मैं वो कोई मेडिसिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक ए से लेकर जेड तक पढ़ानी है। मैं सिर्फ आपको वो बताऊँगा कि ये मेडिसिन आपको किस रोग में लेनी है और कब लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, क्योंकि जो मैं मेडिसिन बता दूँ ज़्यादातर मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके सामने शेयर करता हूँ कि मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी, वहाँ पर इतनी रिजल्ट आए। क्योंकि मेरे एक ही इंटेंशन है वीडियो बनाने का कि मैं चाहता हूँ कि आपको जो पैसा है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो, आपको एक सही चिकित्सा मिले और बिना साइड इफेक्ट के एक बेस्ट चिकित्सा देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। चलिए जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रिलियम। देखिए यदि हम इस मेडिसिन के बात करें एक ही लाइन में, जहाँ पर भी रेड ब्लीडिंग हो, रेड ब्लीडिंग मतलब लाल खून कहीं से भी आ रहा हो ब्लीडिंग, चाहे आपके नाक से आ रहा है और आपके कान से आ रहा है, मेंसिस में आ रहा है या पाइल्स में आ रहा है, या आपने दांतों में कोई सर्जरी कराई वहाँ से आ रहा है, एबोर्शन के बाद आ रहा है, डिलीवरी के बाद आ रहा है, कहने का मतलब जहाँ पर भी ब्लीडिंग है और वो भी रेड ब्लीडिंग है, या आपको एक्सीडेंट हो गया है, या आपको कोई अल्सर है, अल्सर में से आपको ब्लीडिंग आ रही है, मतलब पूरी जहाँ पर भी कहीं भी ब्लीडिंग हो, लेकिन जो ब्लीडिंग हो खून का रंग लाल हो, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए जो ये मेडिसिन है, मुझे हर घर में मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट पूरे कहीं ना कहीं घर में लगती रहती है, बच्चे को बड़े को। बहुत ही बेस्ट है जहाँ पर भी रेड ब्लीडिंग हो। यदि मैं कहूँगा जो नेसेसरी मेडिसिन है उसमें ही मेडिसिन आती है, ये याद रखना, ब्लीडिंग रेड हो मतलब लाल सुर्ख रंग हो, ब्लड में ब्लैकिस ना हो मतलब काला खून ना हो, बिल्कुल लाल चमकदार खून हो, तो आप तुरंत ट्रिलियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना। और सबसे बात है, जब मेडिसिन ये लोगे और यदि आपको ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होने के बाद यदि आपको कमजोरी है, बहुत बार होता है कि ब्लीडिंग लेने के बाद ही मेडिसिन ली कमजोरी नहीं हुई, लेकिन यदि आपने मेडिसिन ली ठीक हो गई ब्लीडिंग आपकी, लेकिन आपको उसके बाद कमजोरी आ रही है, तो उसमें एक मेडिसिन आती है चाइना 30 आपको इस्तेमाल करनी है। यदि आपको कमजोरी है, इतनी कमजोरी है कि आप बिस्तर से उठ नहीं पाते हो, हर समय थकान महसूस करते हो, चिड़चिड़े महसूस करते हो, तो उसके बाद आप इसमें चाइना 30 इस्तेमाल कर लेना, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, लेकिन वो तभी इस्तेमाल करनी है आपको जब आपको थकावट हो। यदि आपको थकावट नहीं है, बहुत बार होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है, सर इतनी ब्लीडिंग है, बहुत ब्लीडिंग है, तो हम उसको ट्रिलियम देते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर वो कहते हैं सर ब्लीडिंग के बाद इतनी थकावट हो रही है कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें फिर हम चाइना इस्तेमाल करते हैं। एक और इसका मेन लक्षण है कि जिस महिला को एबोर्शन के बाद उसके जो कमर में और हड्डियाँ में ऐसा लगता है कि हड्डियाँ टूट गई हैं, दर्द रहता है, कूल्हे की हड्डी में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और हड्डी ऐसा लगता है कि टूट गई है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है ट्रिलियम 30। आप देखिए, आप इसमें ट्रिलियम 30 दीजिए, 200 दीजिए, 1 ml दीजिए, लेकिन ट्रिलियम आपको मेडिसिन ज़रूर याद रखनी चाहिए। रेड ब्लीडिंग में सिम्टम्स बहुत हैं, इसके इतने सिम्टम्स हैं कि मैं इस पर आधा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन जो सिम्टम्स काम के नहीं हैं उसके बारे में क्या फालतू में वीडियो फिर लंबी ही बनानी है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ एक लाइन में याद रखना है, जहाँ पर भी लाल ब्लीडिंग हो मतलब लाल रेड ब्लीडिंग हो, लाल खून आ रहा है किसी भी अंग से, नाक मुंह कान एनस में से, वेजाइना में से, कहीं से भी रेड ब्लीडिंग हो, तो आपको ट्रिलियम 200 या 1 ml आपको, या 30 जो भी आपको तुरंत मिल जाए, आप वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। डोज कैसे देनी है आपको, 2-2 बूंद, ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आप आधा घंटे में रिपीट कर देना, कम ब्लीडिंग है तो दिन में 2 या 3 बार आप दे देना, जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तो आप इस मेडिसिन को रोक देना। हाँ, जब कमजोरी आए तो मैंने आपको बताया चाइना 30 या 200, आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार, बस ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी है, बहुत सस्ती मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी पर जाना मिल जाएगी, कहीं आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हाय तौबा मचाने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको बहुत मोटा पैसा आपका खर्च हो जाएगा। मैं वीडियो में बार बार ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा बर्बाद ना हो। उम्मीद है आपको ये मेडिसिन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।